इमेजिन करो कि आप एक हॉरर स्टोरी सुन रहे हो और उस स्टोरी को सुनते वक्त आप बीच में पोजेस्ड हो जाओ। सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ। आयशा और उसकी दोस्त साथ में बात कर रहे होते हैं एंड जो आयशा की दोस्त होती है वो अपनी लाइफ की एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाती है और वो स्टोरी सुनते वक्त आयशा पोजेस्ड हो जाती है। थर्ड वन इज दैट कि हमारे को कोयटा वाला घर याद है, उसमें जो ना जब चोर आ गया था तो मैं और दादा उठे रहे थे, मुझे याद है। और बाबा लोगों ने प्लान बनाया था, मतलब पूरी फैमिली ने प्लान बनाया था कि हम उस चोर को पकड़ेंगे और फौरन जो ना पुलिस को फोन कर देंगे। तो हम ऐसे ही उठे हुए थे। सो आई वॉज सो मच अटैच्ड टू माई ग्रैंडफादर, तो उनके साथ मैं काफी ज्यादा अटैच थी, तो मैं उनके साथ जागी भी थी और बाहर की तरफ खिड़की थी, ठीक है, खिड़की थी। तो क्या नाम लेते हैं, And when I saw her eyes at that time, I literally forget the story. थोड़ा सा तुम भी बताओ ना, तुम्हें तो पता है ना। आयशा जी, अम्मी, अब ये लड़की सच में पोजेस्ड हो गई या नहीं, इसका तो पता नहीं चला, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस